सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे अदर स्टेट में अच्छी कैश प्राइस है और अच्छी जॉब ऑफर की जाती है, हमें भी उसी तरह का कैश अवार्ड दिया जाए। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो हम इतना नहीं बोलते कि हमें उतना ही दे, 3 करोड़ 1 करोड़ दे, बट जितना 50% तो एटलीस्ट हम लोगों को मिलना चाहिए। मेरा नाम रितु नेगी है और जो अभी हमारे हाल ही में चाइना में जो मैचेस चले थे एशियन गेम्स के, उससे हम स्वर्ण पदक लेके आए। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे कंट्री ने 107 मेडल लेके आया और जिसमें जो 100वां मेडल था वो कबड्डी वुमेन ने पार किया 100 का आंकड़ा, वो भी स्वर्ण पदक के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। हमारे 5 मैचेस हुए थे टोटल, जिसमें कि 3 पुल के मैच थे, 1 सेमीफाइनल था और फाइनल। और जो हमारा फर्स्ट मैच था वो टाई रहा था चाइनीज ताइपी के साथ, तो बहुत ही अच्छी टीम है, बाकी की कंट्रीज भी बहुत ही अच्छा मतलब खेल रहे हैं। और फाइनल मैच में हमारा उन्हीं के साथ आया जो कि हम 1 पॉइंट से विन किए। देखिए बाकी कंट्री के जो टीम है वो बहुत अच्छा इसलिए इम्प्रूव कर रहे हैं क्योंकि जो उनके कंट्री में जो कोच जाते हैं वो इंडिया से ही भेजे जाते हैं उनको सिखाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमें फाइट मिलेगा तो और अच्छी बात है क्योंकि इसमें कबड्डी ओलंपिक में इंक्लूड हो सकता है, तो हम यही चाहेंगे और सारे बहुत सारे देश खेले। मेरा नाम ज्योति है और हम देश के लिए मेडल लेकर आए, हमें बहुत ही खुशी की बहुत खुशी महसूस हो रही है और आज हमें सीएम सर भी सम्मानित कर रहे हैं, तो इससे प्राउड वाली बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। हमने वहाँ पे चाइना में 5 मैचेस खेले जिसमें हमारा फर्स्ट मैच जो चाइनीज ताइपाई के साथ हुआ था और वो मैच हमारा ड्रॉ रह गया था क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि हमें किस तरह का कंपटीशन मिलने वाला है। मेरा फर्स्ट ही इंटरनेशनल एक्सपोजर था जिसमें मैं सारे मैचेस खेली हूँ और हमारी टीम का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहा। कोरिया के साथ मैच हुआ वो 1 साइड रहा, थाईलैंड के साथ भी हमारा मैच हुआ वो भी 1 साइड रहा, उसके बाद हमारा सेमीफाइनल जो है वो नेपाल के साथ हुआ वो भी हमारा 1 साइड हुआ, फिर से हमारे साथ फाइनल में चाइनीज ताइपाई आई थी वो हमारा मैच जो है नेक टू नेक चल रहा था और लास्ट में हम 1 पॉइंट से जीत गए। तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हम देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। किस तरह का आपको महसूस हो रहा है कि आप गोल्ड मेडल जीत रहे हैं? मेरा नाम पुष्पा राणा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं अपने देश के लिए मेडल ले आई हूँ। कबड्डी में आप लोगों ने हिस्सा लिया, किस तरह का खेल उस समय रहा, किस तरह की मुश्किलें रही खासतौर पर जब आप वहाँ पर खेल खेला भारत का जवाब तक हुई? हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्या बोलते हैं, थोड़ा खाने पीने की प्रॉब्लम आई बट इट्स ओके, हमने मैनेज कर ही लिया था वो चीज़। और बाकी ग्राउंड वगैरह की रहने सहने की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी और ग्राउंड भी बहुत अच्छे थे। हमारा जो फर्स्ट मैच है वो चाइनीज ताइपाई से हुआ था और वो इक्वल हो गया था। सेकेंड मैच जो है वो हमारा कोरिया के साथ हुआ और जो थर्ड मैच है वो थाईलैंड से हुआ था, वो भी 1 साइड सारे मैचेस गए। और सेमीफाइनल जो था वो नेपाल के साथ था, वो भी उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी और हमारी टीम और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठ गया था, तो वो मैच भी हमारा 1 साइड गया। और फाइनल मैच जो था वो चाइनीज ताइपाई से फिर से हमारे साथ आया और वो उनकी टीम बहुत अच्छी थी और बहुत स्ट्रगल वाला मैच चला था और लास्ट में हम 1 पॉइंट से जीते हैं उन लोगों से, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम लोग विन करें। क्या चाहेंगे सरकार से, क्योंकि सम्मानित आज मुख्यमंत्री करेंगे, किस तरह की, क्योंकि दूसरे राज्यों में सुविधाएं ज़्यादा है, हिमाचल में सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे बाकी स्टेट में पॉलिसी है, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, जो प्लेयर खेल के आ रहे हैं और गोल्ड लेके आ रहे हैं उन लोगों को 3-3 करोड़ है और क्या बोलते हैं हम लोगों के लिए सिर्फ 15 लाख है, तो हम यही बोलना चाहेंगे सरकार से कि थोड़ा पॉलिसी को चेंज किया जाए। और जॉब के लिए भी हम बोलना चाहेंगे कि हम हिमाचल के लिए कम से कम 10-11 साल से कंटिन्यू मेडल ले आ रहे हैं और कंटिन्यू खेल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं हमारे को जो जॉब है वो 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की ऑफर्स आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस मेडल पे हमें भी जैसे बाकी स्टेट में बेस्ट वो दी जाती है, क्या बोलते हैं क्लास 1 ऑफिसर की जॉब दी जाती है, वो हमें भी वैसी जॉब दी जाए, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। मैं
मैं जी ऊना डिस्ट्रिक्ट देहला गांव से बिलोंग करता हूं और मैं एशिया गेम के लिए गया था चाइना में, तो हमारा 9 साल बाद मेडल आया जी, 2014 में आया था और 2018 में इंडिया मैच लूज कर गई थी जी बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो अभी 2023 में हमारा गोल्ड मेडल आया जी एशिया गेम में। देखो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो जी, मेहनत तो लगती है, हर खिलाड़ी का सपना होता है जी एशिया गेम खेलना, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, अभी तक कबड्डी ओलंपिक में नहीं आई है, तो हमारा भी सपना था, तैयारी तो हम बचपन से ही कर रहे थे, वैसे हमारा जैसे कि बोलते हैं प्रिपरेशन कैंप प्रैक्टिस कैंप 5 महीने पहले से लगा था जी साई बेंगलोर में, तो वहाँ से हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। देखो हमारे खिलाड़ी वैसे तो छोटे से प्रदेश से बहुत खिलाड़ी निकल रहे हैं, इस बार तो बहुत ज़्यादा निकल गए हैं जी, 5 लड़कियाँ 1 लड़का था जी, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ हमें इंडोर की थोड़ी कमी है जी, क्योंकि आजकल कबड्डी मिट्टी पे नहीं मैट पे है जी, तो इंडोर बनने चाहिए हमारे प्रदेश में जी थोड़े, तो वहाँ से हमारे प्लेयर और निकलेंगे जी।